तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे टॉय सिटी के बारे में। टॉय सिटी बनाई जा रही है आपके ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में, 100 एकड़ में बसाई जाएगी टॉय सिटी। प्राधिकरण जल्द लगाएगा भूखंड योजना। देखिए, सेक्टर 33 में भूखंड आवंटन पर यह सहमति बनी है। उद्योग को विकसित करना इसका सबसे पहला दोस्तों मकसद होगा। टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया को 50 एकड़ की जमीन पर विकसित भूखंड आवंटित करने पर बन चुकी है सहमति। दोस्तों, स्थानीय महिलाओं को इससे रोजगार मिलेगा। खिलौना उद्योग से स्थानीय लोग, खासकर महिलाओं को फायदा होगा। उद्योग में महिलाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। एसोसिएशन, टॉय का मतलब होता है दोस्तों खिलौना सिटी, ठीक है, याद रखिएगा। एसोसिएशन के सदस्यों ने ग्रामीण से मतलब बातचीत की और भरोसा दिया, खिलौना उद्योग स्थापित होने से ग्रामीण को आर्थिक फायदा होगा। ठीक है भाई, तो यमुना प्राधिकरण में टॉय सिटी 50 नहीं बल्कि 100 एकड़ में बसेगी। टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया को 50 एकड़ जमीन पर विकसित भूखंड आवंटित करने पर सहमति बन चुकी है। यमुना प्राधिकरण जल्द ही टॉय सिटी के लिए भूखंड योजना निकालकर आवंटन करेगा। एसोसिएशन के सदस्यों ने रविवार को सेक्टर 33 में प्रस्तावित टॉय सिटी की जमीन देखी। चीन को टक्कर देने के लिए सितंबर में खिलौना पर आयात शुल्क 60% हो मतलब 60% होने जा रहा है। मौजूदा समय में यह 20% है। इस वजह से देशी खिलौना उद्योग की कमर टूटी हुई है। यमुना प्राधिकरण खिलौना उद्योग को गति देने के लिए टॉय सिटी विकसित करने जा रहा है। इसे लेकर प्राधिकरण और टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बीच सहमति बन चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए दोस्तों।